नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्माहर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्निंग मिक्रेशन के बारे में। बर्निंग मिक्रेशन यानी कि पेशाब में जलन के बारे में। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग मेनली फोकस करने वाले हैं ट्रीटमेंट के ऊपर, यानी यहाँ पर हम बीमारी के बारे में बहुत डिटेल में नहीं देखने वाले हैं। आज के वीडियो में केवल हम ट्रीटमेंट पे फोकस करने वाले हैं और थोड़ा सा बात करने वाले हैं पेशाब में जलन के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि अगर पेशाब में जलन की समस्या आती है तो ऐसे में कौन कौन सी मेडिसिन पेशेंट को देनी चाहिए, कौन कौन सा इंजेक्शन देना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं बताऊँ आपको कि मिक्रेशन में अगर बर्निंग मिक्रेशन होती है, पेशाब में जलन होती है, तो ऐसे में कौन कौन सी समस्या आपको हो सकती है, क्यों ऐसा होना संभव होता है। तो अगर पेशाब में जलन हो रही है तो ये सिम्टम हो सकता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का, यानी कि आपके यूरिनरी ट्रैक यानी किडनी में या फिर जैसे ब्रिक है ना गुर्दे में, या फिर जो यूरिनरी ट्रैक है ना, या फिर यूरिनरी ब्लैडर है, वहाँ पर कोई समस्या है। ठीक है, तो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसको हम लोग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से आपको बर्निंग मिक्रेशन की समस्या आ सकती है। इसके अलावा कई बार यूरेथ्रल या ब्लैडर स्टोन अगर होता है, यानी कि अगर आपको पथरी होती है किडनी की, तो ऐसे में भी पेशाब में जलन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जब पेशेंट बहुत बड़ा होता है, एल्डर पेशेंट होता है, बूढ़ा होता है, तो ऐसे में हो सकता है उसे प्रोस्थेटिक इनलार्जमेंट हो, यानी उसका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ हो, जिसकी वजह से भी उसे पेशाब में जलन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा सिस्टाइटिस यानी कि ब्लैडर में इन्फ्लामेशन, ब्लैडर में इन्फेक्शन अगर है, सिस्टाइटिस की समस्या है, उसकी वजह से भी ये बर्निंग मिक्रेशन हो सकती है, पेशाब में जलन हो सकती है। इसके अलावा कोई भी वायरल इन्फेक्शन जैसे जेनिटल हर्पीस, गोनोरिया, इस तरह की समस्याओं के अंदर भी पेशाब में जलन की समस्या देखी जाती है। तो इन सबको ठीक करने के लिए एक कॉमन मेडिसिन देते हैं। अगर मान लीजिए कि हमने कोई भी जांच नहीं करी है और हमको नहीं पता है कि पेशाब में जलन की समस्या क्यों हो रही है, तो ऐसे में हम लोग कुछ मेडिसिन कॉमनली मेडिसिन देते हैं और कुछ इंजेक्शन चॉइस होती हैं, उसको मैं बताने वाला हूं, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, अगर बात की जाए कि कौन कौन सी टैबलेट दी जाती है, कौन कौन सी ओरल मेडिसिन दी जाती है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देते हैं कि यूरिनरी एंटीबायोटिक। यूरिनरी एंटीबायोटिक में सबसे ज़्यादा फेमस होता है नॉर्फ्लॉक्सासीन। तो नॉर्फ्लॉक्सासीन 400 mg आप पेशेंट को देते हैं, ये 5 दिन के लिए दिया जाता है और BD दिया जाता है, यानी सुबह शाम पेशेंट को लेना होता है। ये अगर कोई भी इन्फेक्शन है जिसकी वजह से पेशाब में जलन की समस्या आ रही है तो वो ठीक हो जाती है। इसके साथ में एक अल्कलनाइजर दिया जाता है, जैसे कि डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट होता है, आपने देखा होगा, उसको कैसे लेते हैं, या सिटाल के नाम से मार्केट में आती है, बहुत सारी अल्कलाइजर्स आती है, बहुत सारी आयुर्वेदिक आती हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्यों देते हैं, तो जैसे बर्निंग मिक्रेशन जब होती है, पेशाब में जलन होती है, तो या तो पेशाब कम हो रही होती है या बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है, उसकी वजह से भी होती है, या फिर पथरी की वजह से होती है तो पेशाब निकलने में आने में दिक्कत होती है, या प्रोस्थेटिक इनलार्जमेंट होता है। तो ऐसे में जो यूरिन है उसको पतला करने का और उसके आउटपुट को बढ़ाने का काम करती है ये अल्कलाइजर्स। ठीक है, यूरिन को पतला करती हैं और फिर यूरिन को, मतलब ये एक तरह से डायुरेटिक का काम करती हैं, तो इस तरह से जो मिक्रेशन की समस्या होती है वो दूर हो जाती है। तो ये कैसे लेते हैं, एक अल्कलाइजर और एक नॉर्फ्लॉक्सासीन। ठीक है, अल्कलाइजर कैसे लेते हैं, तो इसे हम दिन में 3 बार ले सकते हैं या 2 बार ले सकते हैं। 1 चम्मच यानी कि करीब आप समझिए कि 5 से 10 ml, मतलब जो भी आप जैसे आपको जो समस्या है जितनी उस तरह से आप पेशेंट को दें। तो ऐसे क्या करना है कि इसको पानी में मिला करके, 1 गिलास पानी में मिला करके पूरा इसको तब पीना है, यानी कि इसे डायरेक्टली नहीं पीते हैं, बिना पानी में मिलाए नहीं पीते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा हम देते हैं कि यूरिनरी एनाल्जेसिक, जैसे कि यूरिस्पास के नाम से एक मार्केट में आती है, जिसके अंदर में फ्लैबोक्सेट होता है। फ्लैबोक्सेट जो होता है एक प्रकार की ऐसी मसल्स रिलैक्सेंट मेडिसिन होती है, जो यूरिनरी ट्रैक की जो मसल्स होती हैं दोस्तों, उसको रिलैक्स करने का काम करती है और पेन को कम करने का काम करती है। इसके साथ में पेशेंट को एक सलाह दी जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी पिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूड इनटेक करे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूड डाइट ले, उससे क्या होगा कि जो यूरिन का आउटपुट है वो बढ़ेगा और पेशाब में जो जलन की समस्या है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो ये कुल मिला के 3 प्रकार की हम लोग टैबलेट देते हैं जो मैंने आपको बताया। अगर हम इंजेक्शन चॉइस की बात करें यहाँ पे, तो पेशेंट को अगर पेन परसिस्ट करता है, पेन रहता है और पेन ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ऐसे में हम पेशेंट को दे सकते हैं वोवेरान इंजेक्शन IM दे सकते हैं। वोवेरान इंजेक्शन के अंदर में डाइक्लोफिनेक होता है, तो आप वो पेशेंट को दें, लेकिन हाँ उसे तुरंत दें, मतलब जैसे अगर पेन हो रहा है तुरंत दें, बाकी जब भी पेन हो तो आप दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप दे सकते हैं, खास करके स्टोन में इस तरह का पेन देखा जाता है। इसके अलावा अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो आप कोई भी यूरिनरी एंटीबायोटिक आप दे सकते हैं पेशेंट में,
जैसे कि जेंटामाइसिन आती है, तो जेंटामाइसिन 80 mg की इंजेक्शन आती है, तो आप इसे पेशेंट को दे सकते हैं, सुबह शाम इसे दिया जाता है और ये IM या IV दिया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह का कुछ ट्रीटमेंट देते हैं अगर बर्निंग मिक्रेशन होती है, पेशाब में जलन होती है। तो इस तरह से अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर इस तरह के ट्रीटमेंट जानना आपको अच्छा लगता है, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप हमारा हेल्थ के चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे हम आयुर्वेदिक चीज़ों की बात करते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।